मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आकाश, यू वाचिंग माय चैनल आकाश सिंह इंडिया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जैसे कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कल एक फिटनेस वीडियो अपलोड करूंगा, तो आज वो दिन आ गया है। लेकिन उससे पहले आज हम ये सीखेंगे कि हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत किन किन चीज़ों से कर सकते हैं, आपके वर्कआउट में क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसा आपका डाइट प्लान रहना चाहिए, किस तरीके से आप अपने वर्कआउट का डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आज वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनकी शुरुआत हम समय से करते हैं, अभी हो रहा है 7:38। आप कोशिश कीजिएगा कि आप 8 या 9 बजे तक उठ जाए, जितना सुबह जल्दी आप उठेंगे उतनी आपकी मॉर्निंग फ्रेश रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा पानी ले रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आप आपकी मॉर्निंग की शुरुआत जो करेंगे वो गर्म पानी से करेंगे, तो मैंने पानी थोड़ा कम लिया है। अभी मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है, ज्यादा गर्म बिल्कुल भी ना करें इसे। हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब ये पानी गर्म करने के लिए मैंने आपको इसलिए बोला कि आप ये वार्म वाटर की हैबिट रोज बनाएं, रोज सुबह उठकर गर्म पानी पिए, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा हाइड्रेट रहे, बॉडी हाइड्रेट रहे। और इससे यू नो जिन लोगों को कोल्ड होता है, सुबह उठते ही जुकाम हो जाता है, तो वो ये हैबिट रख सकते हैं, आपको कोल्ड नहीं होगा। चलिए हमारा गर्म पानी हो चुका था, हमने गर्म पानी पी लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी है। तो स्ट्रेचिंग इसलिए जरूरी होती है जिससे आपकी बॉडी रिफ्रेश रहे, एक्टिव मूड में रहे, आप ज़्यादा टायर्डी फील ना करें। तो स्ट्रेचिंग में 4 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट आपका जो हो गया एंकल लॉक, आपको इस तरीके से आपकी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है, सेम पोजिशन इस तरीके से। दूसरा पोजीशन है आपका, ज्यादा स्ट्रेच ना करें, सिंजरी भी हो सकती है, सेम दूसरी साइड के लिए। नेक मूवमेंट, अब यहां से लेके जाएंगे जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, आपको हो सके तो 15 सेकंड के लिए होल्ड रखिए। ओके, ओवरऑल बॉडी के लिए होप आपको मेरा बॉडी से दिखाई दे रहा हो। नाउ स्टैंड, आपको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से स्टैंड लेना होगा। एंड देन बैंड किस तरीके से होना है, नी आपकी जो है स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये बैंड नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सीधा बैंड हो रहे हैं। ये भी ज्यादा नहीं, आप 15 सेकंड के लिए रह सकते हैं, मैं आपको सिर्फ अच्छे से बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ओके रिलैक्स, ये एक्सरसाइज आपको 3 बार करनी है सेम पोजीशन पे। और लास्ट एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो आपको करना क्या है, ये जो आपका ये जो नी जो है ना, इसको पीछे लेके जाना है। और वो ध्यान रखिएगा कि ज्यादा बॉडी का मूवमेंट ना हो। अगेन रिलैक्स,
तो ये हो गई हमारी स्ट्रेचिंग, अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग पे जाते हैं। चलिए तो आ जाते हैं अब नाश्ते के ऊपर। ये है हमारा सुबह का नाश्ता, पोटैटो, दो वाइट अंडे और ब्रेड। पोटैटो क्यों? क्योंकि पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन जितना जरूरत है उतना कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी होता है। ये एक रिच कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। इसको उबाल कर खाना है। इन दोनों अंडे का ऑमलेट बनेगा और व्हाइट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड को आप टोस्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया सुबह का नाश्ता। कहावत है कि सुबह का नाश्ता हमेशा अच्छे तरीके से रखे ताकि आपका जो स्टमक है फुल रहे। आफ्टरनून में आप क्या खाते क्या नहीं खाते डजंट मैटर, बट मॉर्निंग का जो आपका मील होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ये गया हमारा पोटैटो पानी में उबलने के लिए और यहाँ पर हमारा ऑमलेट बेस तैयार है और ब्रेड तैयार है। तो जब तक ये चीजें तैयार होती है तब तक हम हमारा ब्रश कर खत्म कर लेते हैं। तो गाइज हमारा यहाँ पर पोटैटो उबल रहा है और ऑमलेट भी रेडी हो रहा है। तो ये सारी चीजें रेडी होने के बाद आपका ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप जो है रात में आपको क्या करना है वो भी वीडियो में आज बताता हूँ। गाइस हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, ऑमलेट तैयार हो गया, ब्रेड तैयार हो गई और आलू तैयार हो गया। ये हो गया हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। इसके साथ में अगर आप एक ग्लास दूध रख लें तो क्या ही बात है। ओके गाइस, तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें खानी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैं जो अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करता हूँ वो है IMC का श्री तुलसी ड्रॉप। इसका एक ड्रॉप आप पानी में डाल के पी सकते हैं, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, कोई बीमारियां आपकी बॉडी में एंटर भी नहीं करेंगी। बाकी सारे वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।